दोस्तों, क्या आपने कभी हीरो की बारिश के बारे में सुना है? आज हम इस छोटे से वीडियो में हीरो की बारिश के बारे में जानेंगे कि आखिर हीरो की बारिश कैसे होती है। नए शोधों से ये पता चला है कि बड़े बर्फीले ग्रहों पर हीरो की वर्षा होना एक सामान्य बात हो सकती है। पहली बार वैज्ञानिकों ने हीरे की वर्षा का निरीक्षण किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जब वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर वाला वातावरण जो बड़े बर्फीले ग्रहों पर होते हैं का लैब में नकल किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे ग्रहों पर हीरे की वर्षा तब होती है जब ग्रह के वायुमंडल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और कार्बन ग्रहों में मौजूद हाई प्रेशर के कारण सिकुड़ जाते हैं और हीरे का रूप ले लेते हैं, और जो धीरे धीरे ग्रहों में ऊपर से नीचे की ओर चले जाते हैं। बड़े बर्फीले ग्रहों में हीरे की वर्षा होती है, इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत तेज लेजर का प्रयोग करते हुए प्लास्टिक में शॉक वेव का निर्माण किया। इस प्रयोग को वैज्ञानिकों ने स्टैनफोर्ड नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में किया। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने आमतौर पर पाया जाने वाला प्लास्टिक जिसका उपयोग फूड पैकेजिंग इत्यादि के लिए होता है का उपयोग किया। डोमिनिक रॉस वैज्ञानिक बताते हैं कि क्योंकि प्लास्टिक में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक अच्छा बैलेंस होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को करने के लिए प्लास्टिक को ही चुना। वैज्ञानिकों की माने तो बड़े बर्फीले ग्रह जैसे यूरेनस नेपच्यून में ऐसी घटनाएं होती हैं।